अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने भी एक नया फेसबुक पेज बनाया है या आपके पास पुराना एक फेसबुक पेज है और अब आप चाहते हैं कि एक पेज आप डिलीट करें अपने फेसबुक से, वो भी परमानेंटली। अगर आपको नहीं पता कि फेसबुक पेज कैसे और कहां से डिलीट करते हैं परमानेंटली, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने मोबाइल का यूज़ करके अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो फेसबुक पेज डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग अपने फेसबुक पेज को ओपन कर लीजिए। तो उसे ओपन कैसे करना है, फेसबुक ओपन करें। फेसबुक ओपन करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करें। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद एरो पे क्लिक करें और एरो पे क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल के नीचे आपको पेज का ऑप्शन शो हो जाएगा या पेज शो हो जाएगा। तो इस पेज पे क्लिक करें और इस पेज को आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ये स्विच हो चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोबारा से आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए और नीचे आने के बाद योर इन्फॉर्मेशन के नीचे आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा दूसरे नंबर पर, एक्सेस एंड कंट्रोल। तो सिंपल से इस पर क्लिक कर लीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ही ऑप्शन शो हो जाएगा, डिएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं डिएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक पेज। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो जाएगी, एक है डिएक्टिवेट पेज और दूसरा है डिलीट पेज, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट। तो आपको सिंपल सा डिलीट पेज सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाइए, कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों आप इस पेज को डिलीट करना चाहते हैं, तो कोई भी रीज़न आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और रीजन लगाने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए, नीचे आने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन शो हो जाएगी। तो अगर आप अपने पेज से अपना डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसा कि आप अपनी फोटोज़ को, अपनी वीडियोस को, अपने पोस्ट को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डाउनलोड इनपो पे क्लिक करके अपने सारे डेटा को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते, सारी चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं, तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने फेसबुक का पासवर्ड डालना है और फेसबुक का पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कंफर्म डिलीटेशन, यानी कंफर्म कर लीजिए कि ये पेज है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं डिलीट, उसके बाद आपका पेज का नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा जो पेज है वो है टेक्निकल स्काई, तो ये कन्फर्म है। तो नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिस पेज आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो नीचे डिलीट पेज पे क्लिक कर लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो पेज है वो कम्प्लीटली यहाँ से ख़त्म हो चुका है और आपका फेसबुक प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। तो गैस इसी तरह से आप लोग अपने मोबाइल पर अपने फेसबुक पेज को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। सो गैस अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।